जमीन का नारा याद आता है। उन पार्टियों का कंसेप्ट अधूरा है, कोई नीति नहीं है, लेकिन एपीआई ने आदिवासियों के लिए उनका सशक्तिकरण, सत्ता में भागीदारी और जल जंगल जमीन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो नारा दिया है, जो प्लान तैयार किया है, जो नीति बनाया है, जल जंगल जमीन का अधिकार हम संविधान से, संस्कृति से पाएंगे, यह स्पष्ट नीति है। हमको इस पर काम करना है। साथियों, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे जो मानकर साहब है उनके बातों को सुनने के लिए हम इंतजार में हैं और हम लोग इसके बाद फिर से चुनावी समर में खुद जाना होगा, अन्यथा आप अपने बूथों को छोड़ के आए हैं, अपने गांव को छोड़ के आए हैं। पैसे वाले लोग आज पेटी और पैसा लेकर गांव गांव में घूमने वाले हैं, उसको देखना है। वोट चोर को, वोटों के लुटेरों को, वोटों के सौदेगारों से आपकी जनता को बचाना है। धन्यवाद। आने वाला विधानसभा चुनाव जो होने वाली है, यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है और यह चुनाव देश और इस झारखंड के राज को, राज की दिशा को बदलने वाली है। प्यारे भाइयों, बहनों, प्रिय साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, एपीआई 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 आपके समक्ष नई नीति के साथ आई है और ये झारखंड को, झारखंड को, झारखंड को बदलने वाली है। जो वर्तमान सरकार ने और यहाँ के जो भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने झारखंड को लूटने का काम किया है और ये एपीआई आपके झारखंड में, झारखंड की दिशा और दशा को बदलने के लिए आपके बीच में, आपके झारखंड में, आपके धरती में उपस्थित हुई है। प्रिय साथियों, इस बार यही हमारी नारा है, यही हमारी नारा है कि इस झारखंड में एपीआई इस झारखंड की धरती को बदलने वाली है। इन शब्दों के साथ आप सभी को पुनः आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए, आप सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जरूर एपीआई को वोट दीजिए और इस झारखंड को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।